तो फ्रेंड, आज के समय में हम लोग यूपीआई को बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण से हमारा धोखाधड़ी भी यूपीआई में बहुत ही बढ़ रहा है। तो दोस्तों, हम लोग यूपीआई को तो बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम लोग को सावधान रहना चाहिए। तो क्या दोस्तों आप लोग को सावधान रहने के लिए करना चाहिए? तो दोस्तों आज मैं कुछ टिप्स देने वाला हूँ, तो आप उस टिप्स को फॉलो करते तो आप दोस्तों बच जाएंगे, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो दोस्तों दूसरा दिन सुबह उठिएगा, आपका बैंक अकाउंट पूरा खाली, मतलब कि जीरो। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं आप लोग को बता देता हूँ बचने का उपाय क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग को ये कॉल करेंगे, तो मैं फोन पे का एग्जांपल ही लेके आगे बढ़ता हूँ। तो ये लोग बोलेंगे, सर मैं फोन पे की तरफ से बोल रहा हूँ, आप लोग का यूपीआई ट्रांजेक्शन में दिक्कत हो रहा, तो आप हमको पिन बताइए, यूपीआई पिन, तो आप लोग का ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे बड़ा गलती आप लोग यही करते हैं, कुछ सोचे समझे आप लोग यूपीआई पिन बता देते। तो दोस्तों ये लोग इतने स्टैंडर्ड होते हैं, आपको लगेगा क्या उन्हीं का अधिकारी बोल रहा है, फोन पे का अधिकारी ही बोल रहा है। आप लोग को ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए, आप लोग को कोई भी यूपीआई पिन वगैरह या फिर पर्सनल डिटेल आपको प्रोवाइड नहीं करना है। तो दोस्तों सेकेंड नंबर में हम लोग को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों हम लोग को जो कोई पैसा दूसरा भेजता है यूपीआई के थ्रू, तो दोस्तों उसमें हमको कोई भी पिन डालने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। जो तो दोस्तों जो न्यू यूज़र होंगे, मैं उनके लिए खास करके ये बता देता हूँ, ओल्ड यूज़र को तो ये पता ही भी होगा। और बहुत बार दोस्तों देखते होंगे रिक्वेस्ट मनी का ऑप्शन आता है, तो दोस्तों आपको उसमें क्लिक नहीं करना है, ना फिर आपको उसमें पिन डालना है। हाँ, जो काम का हो, जैसे आपको जियो रिचार्ज करना है यूपीआई के थ्रू, आप रिचार्ज करते हैं तो दोस्तों आप लोग को देखते हैं एक लिंक टाइप का, मतलब एक आता है, आपको उसको एक्सेप्ट करके आपको यूपीआई पिन आपको डाल देते हैं, तो आपका पेमेंट क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग को कोई फ्रॉड वाले में नहीं करना, आप लोग को पहले ध्यान से देख लेना चाहिए मैंने किया है क्या ये मैंने नहीं किया। तो थर्ड नंबर में दोस्तों हम लोग को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों ये तीसरा नंबर है, मैं खास करके पेटीएम यूज़र के लिए बताना चाहूँगा। तो दोस्तों वे लोग बोलते हैं, सर आपका केवाईसी नहीं हुआ, तो आप लोग हमको आधार कार्ड दे दीजिए और पैन कार्ड दे दीजिए, या फिर बहुत और चीज़ नंबर पिन ये सब दे दीजिए, मैं आप लोग का ठीक कर दूंगा। तो दोस्तों मैं बता दूँ, ये जो केवाईसी होता है, आप लोग को कोई नज़दीकी मोबाइल स्टोर में ही जाके आप लोग को हो जाएगा, ना फिर पेटीएम आप लोग को फोन करता है इसके जुड़े कोई जानकारी में। तो दोस्तों ये लोग यूपीआई कंपनियां हम लोग को जागरूकता भी फैला रही है, तो दोस्तों हम लोग का गलती है, हम लोग इनकी बातों को ध्यान से नहीं सुनते। तो दोस्तों चौथा नंबर में हम लोग को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों एक आता है स्क्रीन शेयरिंग ऐप, इस तरह बहुत सारे स्क्रीन शेयरिंग ऐप आपको देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, कोई आपको कुछ लिंक भेजेगा या फिर कुछ चीज़ भेजेगा, आपको एक्सेप्ट करना है। तो दोस्तों आप लोग जो मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो देखिए इसी से हो जाता है। आप लोग क्या कर रहे हैं, मतलब कि जैसे कि फोन पे खोलते हैं तो आप लोग का यूपीआई आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है, तो वे दूसरे को सब चीज़ पता लग जाता है। आप कुछ भी कीजिए मोबाइल में, फेसबुक चलाइए, इंस्टाग्राम चलाइए, कुछ भी पर्सनल यूज़ करिएगा तो दूसरा को पता लग जाएगा। तो दोस्तों ये आप लोग को ध्यान रखना चाहिए, किसी को ये स्क्रीन शेयर ऐप आपको इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, या फिर दूसरे को भी समझाना चाहिए। तो दोस्तों और हम लोग को ये भी करना चाहिए, कोई थर्ड पार्टी, मतलब जो बेकार ऐप जो आता है, कोई हमारे यूज़ नहीं आता, तो उसको भी हम लोग को यूज़ नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये लोग भी हमारा डाटा को चुराती है। तो दोस्तों हम लोग को अगला क्या करना चाहिए उपाय बचने के लिए? तो दोस्तों हम लोग को जो पासवर्ड रखना चाहिए वह एकदम स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, और हम लोग को तो ये भी करना चाहिए, बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं, जो फोन पे चलाते हैं, गूगल पे चलाते हैं, उसमें कुछ पासवर्ड रखते ही नहीं। तो दोस्तों सबसे बड़ा हम गलती यही करते हैं, और जिसकी वजह से कोई हमारा मोबाइल लेके कोई यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो दोस्तों हम लोग को ये भी बहुत ही ज़रूरी है ध्यान में रखने के लिए। तो दोस्तों अगला हम लोग को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों आप लोग देखते होंगे बहुत सारे लिंक प्रोवाइड करते हैं, तो जैसे दोस्तों जियो का फ्री रिचार्ज, या फिर आपके फोन पे की तरफ से एक लिंक टाइप का कुछ आएगा, या पेटीएम की तरफ से, बहुत सारे लोग इसको शेयर भी करते हैं, आपको इतना कैशबैक मिल गया, आप जीत चुके हैं, उसमें आप अपना पिन नंबर डालिए या फिर कुछ पर्सनल डिटेल डालिए, तो आपका वो कैशबैक आपका बैंक अकाउंट में चले जाएगा। तो दोस्तों ये सब चीज़ आप लोग को नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जितने भी मैं तरीका बताया हूँ, सब तरीका आप लोग को अपनाना चाहिए,
इन सब तरीका को आप नहीं अपनाइएगा तो दोस्तों आप लोग को बहुत ही भारी दिक्कत देखने को मिल जाएगा, आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। आप लोग FIR भी लिखाइएगा तो आप लोग को कार्रवाई होगा, लेकिन जो आपका पैसा रिटर्न होने का जो चांस रहता है बहुत ही कम रहता है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग को शेयर जरूर करना है दूसरे को और उनको, क्योंकि जानकारी मिल सके। तो दोस्तों बस वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।